दाने निकालो पहले साइड में, फिर गिनो यहाँ पे नीचे रखे ताकि आप गिन पाओ। 12। अब दे दो, रुको रुको देखते हैं कौन सा वाला खाता है। देखो एक दाना ये डाला ना, डर दाना कोई भी नहीं आ रहा, उनको पता नहीं चल रहा। हाँ देख ढूंढ देगी कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है। यहाँ पे कहाँ पे कौन मिचला यहाँ पे डाला हुआ है दाना। किसी का मूड नहीं है खाने का, ऐसे पापा ने पहले ही दे दिया उनको। ये रेड वाली खा के गई। रेड और दूसरा दाना, दूसरा दाना पता नहीं। मम्मा हटना मुझे भी देना है ना। अरे फिर से रेड, रेड खा के गई। पर्पल, ये पर्पल खिला। अरे रेड, रेड खा ली। किसने खाया ना, देख भी तो लो। और सब ने वैसे के खा ही लिया ना। नहीं पिंक वाली नहीं, ज्यादा पर्पल वाली नहीं। जा डाल के हाथ से एक एक तो डालने है, तो पहले ऑरेंज वाली। ऑरेंज वाली ने खाया। हाँ पिंक वाली, रेड, ग्रीन वाली को दो बाबू। कैसे दो, वो तो कोने में जा रही है। चल मुझे दे। नहीं मैं दे। अरे मुझे दे ना। अरे पर्पल वाली बहुत तेज है। हाँ और पिंक वाली भी, कितने भुक्कल हो गए ये इतने। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, और हम लोग भी सब मस्त हैं स्वस्थ हैं। दोस्तों स्वागत है आप लोगों का रिंकी रावत फैमिली ब्लॉग में। और टाइम अभी 10:30 हो गया है और घर पर पानी नहीं आ रहा है, पता नहीं मोटर को क्या हो गया। तो अभी मैंने रावत जी को फ़ोन करके बताया, तो रावत जी ने बोला कि क्या नाम है, मैं आके चेक करूँगा। मैंने कहा हमने नहाना अभी तो है, तो देखते हैं अभी शाम को नीचे आता है पानी, सुबह भी आता है, लेकिन सुबह तो 7 बजे तक बंद हो जाता है, फिर शाम को 4-5 बजे के आसपास फिर पानी आता है, फिर लेके आएंगे नीचे से बाल्टी भर के, फिर नहाएंगे हम लोग। और रावत जी तो लेट आएंगे, तो वो तो रुका हुआ थोड़ा थोड़ा आ रहा है ना, दो सेकंड के लिए ऐसे ही आ रहा है थोड़ा सा, तो क्या नाम है, उसके बाद जाके रावत जी सही करेंगे पानी। अच्छा हुआ मैंने बर्तन कर लिए थे टाइम पे, तो क्या नाम है पता नहीं क्या हुआ मोटर को। मैं वैसे स्विच ऑन ऑफ करके आई तो 1-2 मिनट के लिए मोटर चली थी, फिर बंद हो गई, तो रावत जी ने बोला कि मैं आके देख लूँगा। तो आज आने की नहाने की छुट्टी, और आने खुश हो रखी है अभी। अभी हमने मछलियों को खाना खिलाया, अब हम खुद खाएंगे। तो अभी किचन में भी पानी एकदम पतला हो गया है, तो देखती हूँ अभी बाकी का तो पोछा ही करना बाकी है। कपड़े तो कोई नहीं, कल धुल जाएंगे, या फिर शाम को नीचे ले जा लूँगी कपड़े धोने के लिए चौकड़ी पे, तो वहाँ पे बैठ के धो दूँगी। और बाकी पीने का पानी तो अभी आरो भरा हुआ है, और वो भी ना जल्दी फिनिश हो जाता है, क्योंकि मेरा खाना वाना भी उसी से बनता है, पीने के लिए भी वही होता है। तो देखते हैं अभी कितना चलता है आरओ का पानी भी, तो उसके बाद तो देखती हूँ। पानी वाले का नंबर भी नहीं है, वो भी ढूंढना पड़ेगा, फिर पानी भी लेना पड़ेगा अभी बाहर से। देखते हैं अभी मोटर में प्रॉब्लम ऐसे है क्या, वो पता चल जाएगा शाम को जब रावत जी आएंगे। तो देखती हूँ दोस्तों अभी काम तो बाकी पोछा करूँगी तो पानी फिनिश हो जाएगा, चलो अभी देखते हैं क्या होता है। पहले मैं आज दे देती हूँ बच्चों को नाश्ता, क्योंकि परसों लाने थे हमको मैंगो, तो लेके नहीं आ पाए क्योंकि उस दिन आरव गिर गया था, तो उस दिन से फिर कल भी बाहर नहीं जा पाए, राव जी थोड़ा लेट ही आए थे। और तो बच्चों ने ना कल तक तो थे मैंगो, कल सुबह के लिए था, कल शाम के लिए नहीं थे, और आज भी फिर उन्होंने मैंगो सेक नहीं पिया, दूध ही पिया। तो सोच रही हूँ अभी ना उनको जल्दी से नाश्ता दे देती हूँ, क्योंकि उनको भूख भी लग गई होगी, क्योंकि दूध ही दूध पिया था उन्होंने, और मैंगो शेक पीते हैं तो थोड़ा उनको लेट भूख लगती है। तो आज पहले मैं उनको जल्दी से नाश्ता दे देती हूँ। नाश्ते में मैंने बनाया आज लौकी की सब्जी, रोटी, और बच्चों को दूध, दूध तो उन्होंने पी लिया,
लेकिन अभी सब्जी रोटी दूंगी, तो आप लोग बने रहना हमारे साथ में। मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में। अनु क्या बना रही हो? हे भगवान, कितने पोकेमोन बनाओगे? कितने पोकेमोन हो, कितने प्रकार के पोकेमोन होते हैं? आज आने ना कलरिंग बहुत अच्छी कर रही है, शेडिंग वाली। आने इसको ऐसे तिरछा नहीं करना, ये भी आपने खड़ा ही करना था। अच्छा, आपने ऊपर से देखा खड़ा किया है ना ऐसे, और एक सामने ऐसे तेज नहीं दबाना, लाइट पकड़ो पेंसिल को और लाइट घिसो उसको। जो पहला मैंने बनाया था वो है वाटर टाइप पोकेमोन, इसको आइस टाइप पोकेमोन बोलते हैं। लेकिन ये वाला आपने बहुत सुंदर बनाया है। क्या कलरिंग भी इस पे ना बहुत अच्छी हो रही है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सही करो। हाँ, यहीं पर ऐसे नहीं करते ना कि कुछ आपने इधर को घुमाया, कुछ इधर को घुमाया। एक साइड में बताया था मैंने आपको, पहला होता है वाटर टाइप पोकेमोन जो उसको आइस टाइप पोकेमोन भी बोलते हैं। मैंने बनाया तो आप भी आपने बताया था कि उसको आइस टाइप पोकेमोन भी बोलते हैं। खुद ने अभी मुझे आइस टाइप पोकेमोन भी बनाना है, मगर अभी मैंने बनाया है वाटर टाइप पोकेमोन, फायर टाइप पोकेमोन, लीफ टाइप पोकेमोन, माउस टाइप पोकेमोन, फायर टाइप पोकेमोन नहीं बनाया वो, और मैंने बाउंस टाइप का पोकेमोन बनाया, और अभी ये इलेक्ट्रिक टाइप सुपर मॉस जैसा। तो कोई कलरिंग भी इसमें बहुत अच्छी कलर है, वो कलर कर रहे हो आप। पिकाचू मैंने ब्लॉक नहीं किया, मैंने बहुत अच्छा किया है, बहुत सुंदर लग रहा है। थैंक यू भैया। आप आज कुछ नहीं बना रहे हो क्या भैया? बनाएगा आप कुछ नहीं बना रहे हो आज? तो आरब का हाथ थोड़ा पहले से बेटर है, ठीक हो रहा है, कल तक और सही हो जाएगा। फिर कल उसने अपने पापा के साथ भी क्रिकेट खेलने जाना है। खा लिया? अब नीचे जाके पानी भरे। हाँ तो उंगलियां चाट के कपड़ों पे साफ करना फिर। हाँ मुझे तो पानी भरना है, बच्चे देख रहे हैं बाहुबली मूवी, भोले भी। और अब ना किचन में भी पानी बंद हो गया है ना, वो तो बस केवल रुका हुआ पानी आया था, बंद हो गया। अब जल्दी से पहले नीचे से दो चार बाल्टी पानी लेके आती हूँ, क्योंकि किचन में भी अब ये सारी बाल्टियाँ बाथरूम में किचन में सब खाली हो गई हैं, तो जल्दी से इनको भर देती हूँ। देखते हैं, क्योंकि रात को तो कुछ हो नहीं पाएगा। वैसे राव जी ने बोला है कि मैं आके देख लूँगा, लेकिन रात को आएंगे 7 बजे या 8 बजे, तो कुछ हो नहीं पाएगा। तो मैं भर के रख देती हूँ, भर के रख दूँगी तो हमारा ही भला होगा। तो क्योंकि फिर सुबह ही आता है पानी, तो मैं जल्दी से पहले 2-4 बाल्टी पानी भर देती हूँ, उसके बाद देखते हैं आगे का काम है ना। तो मैं बाल्टी से तो नहीं लेके आ पाऊँगी क्योंकि गिरेगा, तो फिर डिब्बा निकाल दिया है मैंने ये, तो मैं इसको भर भर के फिर ऊपर आके बाल्टी में डालूँगी पानी। तो यहाँ पे नल हो गया है छोटा, इसमें बाल्टी भी नहीं आती, तो यहाँ का पानी मैं डाल देती हूँ इधर गार्डन में, और इसको दूसरी नल से भर के लाती हूँ इधर से। उधर सामने भी एक नल है। इसको इसमें भर लेंगे, इसमें भी नहीं आएगा शायद से। ये पैर के निशान किस चीज़ के होंगे? गिले गिले चोर चोर, क्योंकि इधर पूरा एसी का पानी आता है ना, ये गंदा हो रखा है। देखती हूँ टाइम मिलता है तो इसकी भी सफाई कर देंगे। पहले पानी भर लूँ, ये वाला नल भी छोटा हो रहा है, लेकिन ऐसे करके भरेंगे हम इसको, तो ऐसा टेढ़ा करके ना। उसमें ले आई 7-8 डिब्बे लेके आ गई पानी, 3-4 बाल्टी भर दी है मैंने। और अब मैं धोऊंगी बर्तन, और बर्तन धोने के लिए भी मैंने यहाँ पे पानी रख दिया है पतीले भर के, पतीला भर के। तो धो देती हूँ बर्तन,
तो सुबह तक के लिए तो हो जाएगा, उसके बाद सुबह देख लेंगे रावण जी, है ना। तो मैं धो देती हूँ पहले बर्तन। मैं आ रखी हूँ अभी नीचे क्योंकि मैंने अंकल को किया था फ़ोन, तो फिर अंकल ने मुझे उनका नंबर दिया था जो अंकल के यहाँ पे काम करते हैं लाइट का। तो उन्होंने बोला कि मैडम मुझे बताओ कि मैं क्या क्या लिखा था। उन्होंने बोला कि वो बटन दबाना, मैंने कहा मैं हाथ नहीं लगाऊंगी, मेरे हस्बैंड आएंगे ना तो वही वो करेंगे, क्या नाम है, वो आने वाले हैं, फिर वही आपको दोबारा फ़ोन करेंगे, उनको बताना कि क्या दबाना है, क्योंकि मुझे ना डर लगता है ऐसे लाइट की चीज़ें छूने पर। पहले तो मैं बहुत ऐसे ही काम कर लेती थी, स्विच वगैरह चेंज वगैरह करना वगैरह वगैरह, लेकिन अब मुझे ना डर लगता है। तो मैं नीचे आई थी क्योंकि राव जी ने बोला कि ठीक है मैं आ रहा हूँ, तो शायद चढ़ जाएगा छत में पानी, क्योंकि अभी उसमें दिखा रहा है कि मतलब अपर टैंक आपका जो है वो फिनिश हो गया है। तो और हवा चल रही है मस्त, और मेरे घर के पीछे और मैं आरवाने को आवाज़ लगा रही थी, मैंने कहा नीचे आ जाओ, इतनी अच्छी हवा चल रही है ना, ऊपर टीवी पे बैठे हैं दोनों के दोनों दोस्तों की आवाज ही नहीं है, हो जाएगा हमारा भी मोटर से ही। मिलती मैं आप लोगों से भी थोड़ी देर। आ गए रावत जी, आइए आपका इंतजार है। और यहाँ पे आरव और आरव की बहन झूला झूल रहे थे, तो दोनों के दोनों लड़ रहे हैं। बताओ इधर देखो जरा, लो ये रोज पे था, ये क्या हुआ है? आने ने जमा रहा, मैं यहाँ पे था, आने ने चोर के ऐसे करा अलग दे यहाँ पे, वो वहाँ गया क्यों? अब एक चीज बताओ, वहाँ खड़े रहने की जगह है क्या? पापा ने कितनी बार बोला वहाँ? अरे वहाँ से भी वैसे ही झूला रहा था, मैं उसको बोल रही थी पहले भी, वहाँ भी नहीं झूला रहा था, वहाँ भी नहीं झूलना, तो बाबा लग रही थी तब भी नहीं मान ला। फिर और दोनों जिद्दी तो ऐसे हैं। फिर तो आप बड़े हो, आपको समझना चाहिए कि उधर से नहीं झुलाते, पीछे पीछे आपको पीछे भी मना किया बहुत बार, फिर पीछे भी नहीं खड़ा होना। मेरे भाई तो मेरे जान है, एक हजारों में मेरी बहना है, फूलों का तारों का सबका कहना है, एक हजारों में मेरी बहना है। आने मुझे मारा, जगह मैंने कुछ करा भी नहीं, जगह ऊपर से गेम भी डिलीट करके आती है, गेम डिलीट कर दिए फोन में। अच्छा मेरे मैं कुछ करा भी नहीं, पाँव हटाओ वहाँ से, पाँव हटाओ। मेरे भाई तो मेरी जान है, उसको छोड़ो वहाँ से, वहाँ से छोड़ो, वहाँ से छोड़ो बोला, पीछे आओ थोड़ा सा, ये तेरे सर फेस देखो उसका, मिट्टी लग गई इधर वाले पे, आंसू साफ कर रहे थे ना। चलो फिर आज हम मैंगोज लेके आएंगे, फिनिश हो गए शेक वाले भी और वो भी केसर केरी। पहले पहले मोटर सही करो फिर बैठना, उनको फ़ोन भी करना है, वो बताएंगे आपको क्या क्या बटन दबाना है। अब यहाँ पे उन्होंने एक बटन बोला था कि बोला जहाँ पे मेरा नंबर लिखा है उसके ऊपर बटन है वो दबाना है, तो तरह वो जी दबाएंगे वो बटन। आ जाओ, सीधा रख बोला। हमारी मोटर चालू हो गई और बटन वो था वो ब्लैक वाला ना वो दबाना था, मैं सोचती हूँ ये लोहे पे कहीं मेरा हाथ लगे और मैं चिपक जाऊँ वहीं, तो फिर खुशिया हो जाएगी। बंद कर देते हैं, तो मोटर सही हो गई है, अब मैं अंकल जी को फ़ोन कर देती हूँ, मोटर सही हो गई है। मैंने यहाँ पे रोटी और गाय ने अपना मुंह नहीं धोया, पूरी सब्जी सब्जी लगी हुई थी उसके मुंह पे, और वहाँ पे भी देखो सब्जी सब्जी लग गई है यहाँ पे, मुंह नहीं धोया उसने अपना। और राव जी यहाँ पे कर रहे हैं गार्डनिंग, उसने रोटी खाने के लिए देखो वहाँ पे अपना वो लगाया ना चिन्नू, और पूरी सब्जी लग गई है वहाँ पे। यहाँ पे सोने का सिक्का निकल जाएगा। ओह यहाँ पे आन्या ने अपना दांत छुपा रखा है, और आन्या अपने पापा को बोल रही पापा यहाँ पे देखो, यहाँ पे वो करो सोने का सिक्का आ गया होगा कहीं, देखो देखो रावत जी सोने का सिक्का कहीं होगा तो उल्टा जाता है। हाँ हानू ध्यान से, हाँ हानू देखो नजरें गड़ाए उस पर सोने का सिक्का देखने के लिए।
बाबू जी का आया फोन। इधर दो इधर दो। कहाँ पता था। अरे कहाँ गया वो सोना तो पता नहीं, वहीं पे छुपाया था। कहाँ पे छुपाया होगा, कौन हो ऐसे थोड़ी ना बेटा, फिर सोना कहीं गायब हो जाएगा तो ढूंढो। आज तो हम सोना ढूंढ के ही रहेंगे। सोना नहीं। अच्छा तू ही तो बोल रही कि पापा उसका सोने का सिक्का हो गया होगा कहीं। तभी तो चूहे ने आपको दांत दिए। ये सही। सोने का सिक्का लिखना ही भूल गया। हाँ तो उसने सोचा कि दांत ज़्यादा कीमती है अनु, अगर आपका दांत ना रहे तो आप कैसी लगोगी। हाँ तो इसीलिए तो उसने सोचा कि दांत देना ज़्यादा अच्छा है। पिंची नहीं बेटा आपके हाथ पे लगेगी। बांध किसान बारी बल न्यार पाड़े की नारी, लेकिन यह नारी नहीं है, यह नारा है ना, ये नारी नहीं है, ये तो नारा है। बांध किसान मिट्टी यहाँ की ना एकदम चिकनी मिट्टी है, नहीं है? चिपक जाती है एकदम लिस लिस वाली। इसमें पानी ज़्यादा नीचे नहीं जाता, सूखी जल्दी जाती है। अभी देखो पूरा कितना भरा हुआ था ये, और उसके बाद पूरा वो हो जाता है क्या आराम से, फिर सुबह ही देखना है इसे सूखा सूखा मिलेगा। और यहाँ पे लड्डू खेलने लगी है मिट्टी के साथ में, खेली तो रही है। आने ऊपर देख क्या तुमने, नल तो नहीं खोले कहीं दोनों बाथरूम में और किचन में। जा 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 बाबू, मुझे नहीं पता भाई को कुछ बोलना। मेरे बच्चा जो देख के आना, मेरा सोना बच्चा, मेरा शो ना प्यारा बच्चा। हाँ। जल्दी देख के आना, नहीं तो पानी भरने का क्या फ़ायदा। भाई मारेगा। क्यों मारेगा, जल्दी जाओ कहीं। मैंने ओ मैंने क्या, बच्चों ने भी ना हम खोल के रख देते हैं कभी पानी, ना पानी ना आए तो नल खुले छूट जाते हैं। बांध किसान भारी बल पाड़े की नारी, ये किस चीज का है, ये पेड़ सूखा हुआ, ये वो है बेल। अच्छा वही वाला बेल।